नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला गया चेन्नई के मैदान पर। मुंबई इंडियंस की टीम, जिन्हें आरसीबी ने पहले मुकाबले में हराया, लिहाजा उन्हें जीत की दरकार थी, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा कर टूर्नामेंट में जीत से शुरुआत किया था। अब यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम चाह रही थी कि उनकी जो जीत का सिलसिला है वो बरकरार रहे, वहीं मुंबई इंडियंस को हर हाल में जीत की ज़रूरत थी, लिहाजा उन्हें खाता खोलना था। टॉस जीता कोलकाता नाइट राइडर्स ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने के लिए मुंबई इंडियंस की टीम उतरी। क्रिस लिन को इस मुकाबले में बिठा दिया गया। क्विंटन डिकॉक 2 रन बनाकर आउट हुए। टीम की शुरुआत बेहद खराब रही, लेकिन इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 36 गेंदों का सामना किया, 56 रनों की पारी खेली। और वहीं मुंबई इंडियंस के कप्तान साहब यानी कि रोहित शर्मा, उन्होंने आज 32 गेंदों का सामना किया, 43 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद मुंबई इंडियंस के सारे बल्लेबाजों ने धोखे दे दिए, सबके सब ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवरों में 152 रन ही बना सकी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के जो गेंदबाज हैं आंद्रे रसेल, ऑलराउंडर, उन्होंने 15 रन खर्च कर 5 विकेट अपने नाम किए। लिहाजा जीत के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को 153 रनों का टारगेट मिला। टारगेट बहुत ज़्यादा ईजी था, लग भी रहा था जिस तरीके से शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स की हुई। अर्धशतकीय साझेदारी पहले विकेट के लिए, इसके बाद शुभमन गिल आउट हुए। नीतीश राणा ने एक बार फिर अर्धशतक जमाया। उन्होंने लगातार दूसरे मुकाबले में 50 लगाया, लेकिन नीतीश राणा के आउट होने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एकदम से बुरी हालत में चली गई। दरअसल एक वक्त ऐसा आया जब 31 गेंदों में कोलकाता नाइट राइडर्स को 30 रन बनाने थे, 7 विकेट बचे हुए थे। आंद्रे रसेल और दिनेश कार्तिक क्रीज पर टिके हुए थे, बावजूद इसके कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 10 रनों से मुकाबला हार गई। आखिरी ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स को 15 रन बनाने थे जीत के लिए। ट्रेंट बोल्ट को गेंदबाजी थमाई गई और उन्होंने 4 ही रन खर्च किए, 2 बल्लेबाजों को आउट किया, जिसमें से आंद्रे रसेल भी थे और पैट कमिंस भी थे। लिहाजा 10 रनों से मुंबई इंडियंस ने एक रोमांचक मुकाबला अपने नाम कर लिया और इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस ने अपना खाता भी खोल लिया है आईपीएल 2021 में। इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।